अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इत्तेज़ाज़ हसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसनोलॉजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो यार आज हमारे पास दो किस्म के कार्ड है और इन दोनों की बहुत ही भरपूर किस्म की लड़ाई होने वाली है। और वो क्या है, क्योंकि ये AMD और NVIDIA की तरफ से आते हैं। तो आज मेरे पास जो कार्ड है ये है RX 570 और ये है GTX 960। दोनों 4GB DDR5 है। ये 256 बिट के साथ आता है, ये 128 बिट के साथ आता है। एक ये एडवांटेज है, लेकिन प्राइस के लिहाज से भी ये वाला जो कार्ड है 960, इसकी प्राइस ज्यादा है और RX 570 की प्राइस उससे काफी कम है। तो आज हम लोग चेक करेंगे परफॉर्मेंस के, भाई इन कार्ड्स में से कौन सा कार्ड हमें लेना चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग के लिए। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले आता है हमारे पास ये RX 570। अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 500 या 450 वॉट की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा 8 पिन का कनेक्टर। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यार 3 DP पोर्ट है, 1 DVI पोर्ट है और 1 HDMI पोर्ट इसमें मिल जाती है। और अगर ऐसे ही हम बात करें GTX 960 की, तो यार ये भी 4GB के अंदर आता है और इसको चलाने के लिए सप्लाई आपकी 275 वॉट हो, 300 वॉट हो, कोई भी हो, क्योंकि इस पे 6 पिन कनेक्टर लगता है और जिस पे 6 पिन कनेक्टर लगता है वो 300 वॉट की भी सप्लाई पे आराम से चल जाता है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यार 1 DP पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट और 2 DVI पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब भाई आपको पता है हमारा चैनल है गेमिंग, तो PC में यहाँ पर ले आऊंगा। इनमें से बारी बारी कार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो हम 2 से 3 गेमों के ऊपर चेक करेंगे कि कौन सा कार्ड अपनी प्राइस के लिहाज से तगड़ा है, और जो इनकी प्राइस है वो मैं आपको लास्ट में चल के बताऊंगा। तो जल्दी से मैं इसको कंप्यूटर में फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सारा स्नैरियो दिखाता हूँ। तो यार फाइनली PC हमारा रेडी हो गया और कार्ड मैं आप लोग को दिखाने लगूँ जो मैंने सबसे पहले इसमें यूज कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज में चल के दिखा देता हूँ। तो आप लोग चेक करो, ये i7 6th जनरेशन है, 3.40 GHz का प्रोसेसर है, 8GB रैम मैंने इसके अंदर लगाई है। और अगर कार्ड की बात कर लूँ तो भाई 570 सबसे पहले मैंने इसके अंदर यूज किया है, और आप लोग चेक कर लो RX 570 सीरीज। अब हम कोई से 2 से 3 गेम्स हैवी वाली खेल के चेक करेंगे और ग्राफिक्स फुल हाई और फुल लो करके खेल के चेक करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग डाइंग लाइट 2 की तरफ। वो हैवी गेम है, गेम ऑन हो जाए फिर मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम जो है वो हमारी ऑन हो गई है, और अगर मैं इसके पहले आपको जाके ग्राफिक्स जो है वो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने आ जाए। ग्राफिक्स आप यहाँ पर रोक के चेक कर सकते हो, जो जो चीजें ऑन है 9020 के ऊपर गेम चल रही है। तो अब गेम को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि गेम कैसी चल रही है। और भाई 48 FPS आ रहे हैं और गेम जो है वो लैग नहीं कर रही, हैंग नहीं कर रही। फुल हाई ग्राफिक्स के ऊपर जो है वो मैंने गेम को रखा हुआ है, और गेम आप लोग चेक कर लो भाई साहब कितनी स्मूथ चल रही है। ओके, अब यहां से मुझे आज तक ऊपर नहीं चढ़ने आया, क्या सीन है भाई ऊपर चढ़ने का इसका। तो गेम आप लोग के सामने है तकरीबन 50-55 FPS पे गेम। अच्छा ये जगह ऊपर जाने की है शायद। अच्छा, मतलब यहाँ से वो कह रहा है उधर से ऊपर आओ, पता नहीं कहाँ से आओ वो खड़ा होकर कह रहा है। 50-55 FPS आ रहे हैं, गेम आप लोग के सामने है। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है फोर्जा होरिजन 5। वो भी मुझे लगा थोड़ी सी मेरे पास हैवी गेम है, तो फोर्जा होरिजन 5 को ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। गेम हमारी ऑन हो गई है और तकरीबन आप लोग चेक करो अभी 80 FPS आ रहे हैं। अभी ये गाड़ी हमारी लैंड हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपर FPS दिखाता हूँ कि कितने FPS आ रहे हैं और मैंने क्या ग्राफिक्स इसकी जो सेटिंग्स वगैरह वो रखी हुई हैं। तो अब तो 100 से ऊपर चले गए FPS। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे। अच्छा ये पता नहीं क्यों आता है रनिंग सिस्टम लो प्लीज कोल क्लोज। सेटिंग्स आप लोग चेक कर लो, मैं ग्राफिक्स आप लोग को चेक करवा देता हूँ। और यही आपने जो देख लिया दोनों वीडियो की और ग्राफिक्स की सेटिंग ये है। अब हम लोग गेम चेक करते हैं। तो गेम चल तो वैसे स्मूथ रही है और 60 से ऊपर FPS आ रहे। अच्छा मैं हमेशा इधर ही ठूकता हूँ। तो भाई अभी 60+ FPS आ रहे हैं, आप लोग के सामने ही है।
अब 70+ हो गए, वो देखो हालात चेक करो जरा मेरे। तो यार 70+ FPS आ रहे हैं, इस गेम को भी मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अब थर्ड नंबर पे जो हम लोग गेम चेक करने वाले हैं, वो मेरे पास वैसे तो उस तरह की कोई हैवी गेम्स नहीं पड़ी हुई, लेकिन टेकन 7 जो है वो मैंने चेक किए, इन कार्ड्स के ऊपर FPS वगैरह थोड़े कम कर देती है। तो टेकन 7 चेक कर लेंगे खेल के कि भाई उसकी परफॉर्मेंस हमें इस कार्ड के ऊपर कैसे देखने के लिए मिलती है। सर गेम हमारी ऑन हो गई है, एंड अगेन आपके भाई ने पॉलवा ले लिया है, और हार्ड है भाई, गेमिंग हार्ड है। ये भी मैं आपको बता दूं, गेम मैंने हार्ड में रखी हुई है और अभी 30 FPS आ रहे हैं। ये गेम जो है ये फुल अपने हाई ग्राफिक्स के ऊपर चल रही है, 90:20 रेजोल्यूशन है, व्यू सिंक वगैरह ऑफ है और सारा कुछ है, और 30 FPS तकरीबन आ रहे हैं। लेकिन गेम के दौरान हम चेक करेंगे इस अंटी की पिटाई लगाते वक्त के क्या हालात चल रहे हैं। ओके जी, सिक्सटी एफ पी एस है। ओए भाई यार, तो ब्लेड निकाल, ओए ब्लेड निकाल के आ गई है। हाँ ओए मार, आए गला खराब हो गया था, मजा आ गया नहीं। चलो जी काम मुका रही है। खैर ये थी भाई टेकन 7 की परफॉर्मेंस, पूरे 60 FPS आ रहे हैं। अब जल्दी से भाई हम GTX 960 इसमें लगा लेते हैं, मैं पीसी वगैरह को पूरा ऑन कर लेता हूँ, ओके करके ड्राइवर वगैरह करके फिर हम उसकी भी परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। तो यार दूसरी दफा हमारा पीसी ऑन हो गया, और अगर मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज में जाकर दिखा दूं तो आप लोग चेक कर लो, i7 6th जनरेशन है, 8 GB रैम है। ये इसलिए चेक करा रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझो ऐसे मैंने रेड कट कर लिया है। और अब दूसरा कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, एनवीडिया जी फोर GTX 960 है, ये 4 GB वाला कार्ड है। सबसे पहले चलते हैं भाई हम अपनी पहली गेम की तरफ, मैं डाइंग लाइट 2 को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है, और इसके कुछ इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे क्योंकि ये कम FPS दे रही है। एकदम मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ, इसके जो ग्राफिक्स हैं वही सारे हैं, 90:20 और व्यू सिंक वगैरह ऑफ है, लेकिन FPS जो है वो कम आ रहे हैं। और अगर गेम खेलने की बात करूं तो फील नहीं हो रहा कि FPS कम आ रहे हैं, 30 FPS आ रहे हैं। गेम हैंग और लैग नहीं कर रही, एक तो चिपक गया फांदर, और तकरीबन 30 FPS आ रहे हैं। मैं भी इतना हैवी ऊपर से चढ़ते हैं, इधर से चढ़ जाते हैं ऊपर की, यहाँ पर जगह है बकायदा ऊपर चढ़ेंगे। तो 31 FPS आ रहे हैं, और गेम आप लोग के सामने है, 33 FPS हो गए हैं। लेकिन इससे अच्छी चल रही थी भाई RX 570 में, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अब मेरा माइंड है कि हम लोग चेक करें GTA 5 को भी ग्राफिक्स फुल हाई करके, ताकि जो भाई है मुझसे कहते हैं कि यार एसन भाई आप GTA 5 भी चेक करवाया करो, मैं GTA 5 को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है, ग्राफिक्स को मेरा दिल है मैं पूरा हाई कर दूं ताकि आप लोग जो हो समझ आए आपको। तो 1920x1080p है, FXA वगैरह ऑन हुआ हुआ है, और हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारे ग्राफिक्स हैं वो किसके ऊपर चल रहे हैं, और भाई सारा कुछ हाई पे चल रहा है। अब हम गेम चेक कर लेते हैं, और भाई पूरे 60 FPS आ रहे हैं, और गेम शदीद मक्खन मलाई चल रही है, जिसको मक्खन मलाई कहते हैं ना वो गेम चल रही है। और आज मैंने साइड पे ऑन किया है वॉट पे, 88 वॉट के ऊपर हमारा GPU चल रहा है, और यार गेम जो है ना वो काफी ज्यादा लेवल की चल रही है। अब इनको हम अंदर भेजें, उठे चल नस, और पूरे 60 FPS आ रहे हैं, एक FPS कम ना ज्यादा, इसकी ट्रेन पे हम गोली फेंकेंगे ये। ओह हो, क्या स्वाद है भाई। तो 60 FPS पूरे आ रहे हैं, गेम काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है,
इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब भाई चलते हैं, लास्ट हमारी जो गेम थी हमने चेक करनी थी टेकन 7, वो मैं इसके अंदर ऑन कर लेता हूँ। टेकन 7 ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है, गेम को मैंने फुल अल्ट्रा हार्ड पे रख दिया है और पॉल ले लिया मैंने। अब पता चलेगा भाई के हार्ड के ऊपर। वैसे आपके भाई को ना अभी तक कोई ऐसा है नहीं जो इसके अंदर मुझे हरा सके हार्ड के अंदर भी। हाँ आप लोगों में से किसी के भाई की गेम में ऐसे ज्यादा होता हो तो मुझे पेल सकता है। खैर पांडा आ गया, इसको तो मैं आंडा पांडा कमांडा कर दूंगा। देखते हैं इसके साथ हम क्या करते हैं। चलो जी आओ जी, 60 FPS वैसे आ रहे हैं अभी, बाकी इसको पेलने के बाद पता चल। ओ पता चले ये मुझे पेल। ओए 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 भाई साहब, इतना क्या भाई साहब गुस्सा। क्या भाई तेरी यार, ये तो हमें पेल गया पूरे तरीके से। अब सेकंड राउंड जो है वो शुरू होने वाला है, वो अब हम लोग चेक करते हैं। हो भाई साहब, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात होगी आज। ओहो भाई साहब ये क्या हो गया, मार रहा है वो मैं क्या। ओ तेरी से मुझे मार दी और मैं इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। इसको छोड़ना तो नहीं भाई, एक गेम और लगेगी भाई भाई, एक गेम और आज तो मेरा मुंह इसलिए बंद कर। पांडे तू आ इधर, पांडे ने इतना पक्का पक्का मुका मारा है ना। आ बच्चे तू, पांडा आया फिर आ ना जरा तू। मैंने कहा इसको मैं राम से पेल दूंगा, उसने मुझे डबल पेल दिया है राम की जगह। आ बच्चे तू, आ बा वो तेरी खैरा। गुड 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 ये ओ ये बेबी आ ना बच्चे पांडे तू मेरे सामने, इज्जत का तूने मेरी कफलूदा बनाया। ऊपर लेके आ गया अपने बड़े बड़े। ओ ओ ओ ओ तेरी यार, पांडा तो बहुत कमाल का निकला यार। ओए भाई ओ पांडा मुझे नहीं छोड़ेगा। ओए गुड गुड दूसरी गेम पांडे ने मुझे मार। पांडे तुझे मैं फिर कभी अगले लल नसना है। तो यार गेम 60 FPS पे पूरी चल रही है और पांडे ने हमारा पांडा फाड़ दिया पूरा। खैर अब मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूँ, फिर हम लोग कार्ड की बात करते हैं। तो यार अब इन दोनों कार्डों की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। ये भी 4GB है, ये भी 4GB है, ये 256 बिट है, ये 128 बिट के साथ है। लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे जो परफॉर्मेंस अच्छी लगी है वो लगी है AMD RX 570 की। लेकिन GTX 960 पे अभी हमने एडिटिंग नहीं चेक की, क्योंकि इन दोनों में से इसकी एडिटिंग तगड़ी होगी, इसमें एडिटिंग नहीं होगी। तो दोनों में कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट है। जैसे गेमिंग में अच्छा है ये, रेंडरिंग में अच्छा है, लेकिन गेमिंग में कुछ गेम्स में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाई गेम्स में थोड़ा सा मैंने देखा है ये कार्ड पीछे रह जाता है, लेकिन आपको पता है AMD तो डिजाइन ही इस काम के लिए होता है। अब मुझे जो आप पूछो, दोनों के रिव्यू आपके सामने है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मुझे जो कार्ड पसंद आया वो RX 570 है, क्योंकि मैं एक गेमर हूं। अगर आप एक एडिटर हो तो आपको ये वाला कार्ड जो पसंद आने वाला है। अगर दोनों के प्राइसेस की बात करूं तो यार RX 570 आपको मिल जाए, मार्केट में भी मिल जाता है, और अगर मेरे से लेना तब भी आपको मिल जाएगा, 2223 का ये मिल जाता है। और अगर GTX 960 की बात करूं तो यार ये तकरीबन आपको मार्केट से 28-29 हज़ार रुपए का मिलेगा 4GB वाला। तो प्राइस इसकी ज्यादा है, एडिटिंग में अच्छा है, प्राइस इसकी कम है, और ये गेमिंग में अच्छा है। तो दोनों के रिव्यू आप लोगों के सामने है। आप लोगों को जोन सा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना, या अगर आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर रहे हो तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जरूर बताना। अगर आप ये कार्ड्स पाकिस्तान में कहीं पर भी डिलीवर करवाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स के अंदर आकर आप इसका ऑर्डर मुझसे बुक करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी और इन दोनों का कंपैरिजन देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कार्ड बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।